फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए आलू की टिक्की। तो आलू की टिक्की की जो वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, तो आप लिंक में से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो हम आज बनाएंगे छोले आलू की टिक्की। छोले की टिक्की कैसे बनाते हैं, वो भी दिल्ली की मशहूर टिक्की, तो आप उसको जरूर ट्राई करिए। तो चलिए हम करते हैं उस रेसिपी की तैयारी। मैंने ले लिए छोले, लगभग 3-4 घंटे इनको भिगो दिया था मैंने सोडा डालकर, तो इनका पानी निकाल कर साफ़ कर लिया। और इन्हें अब डाल देते हैं हम कुकर में उबलने के लिए। तो उबलने के लिए मैंने इनको रख दिया, और इसमें लेंगे एक सीटी, और मैंने इसमें सोडा डाला आधा चम्मच, और नमक डाल दिया इसमें, जिससे कि इसे अंदर नमक भी हो जाए थोड़ी सी नमकीन से बने। तो देखिए इसमें डाला है मैंने पानी 2 गिलास, और अब रखते हैं इनको उबलने के लिए। तो उबल चुके हैं, देखिए कितने बढ़िया छोले बनकर तैयार हुए। इनको इतना ही पतला में रखना है, और अब इनको हम थोड़ा सा मसालेदार चटपटा बनाएंगे। तो मैंने एक कटी हुई प्याज को डाल दिया है, और प्याज है ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। तो प्याज देखिए भून कर और इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। तो पहले प्याज को भुज जाने दे रहे हैं। तो प्याज भुन चुका है, तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, जो मिर्च है लाल वाली वो से डालते हैं, और हल्दी मैंने डाला आधा चम्मच, और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। और इसमें डालेंगे हम रेड चिली सॉस, जो कि इसमें चटपटा स्पाइसी और कलर भी अच्छा आता है, तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। और हरी मिर्च तो रही जा रही थी, तो उनको भी मैंने इनमें ऐड कर दिया है। तो इसको सभी मसाले भुन जाने के बाद इसमें डालेंगे हम मटर। तो इसमें मैंने मटर डाल दिया है। आप इसमें अगर टमाटर भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाले इसमें। तो देखिए मटर है ना, इतना पानी था जो 2 गिलास में डाला था, इसी को मैं इसी तरह कढ़ाई में डाल देते हैं। और देखिए तो मटर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है जब हम छोले के लिए मटर तैयार करते हैं, थोड़ी पतली पतली सी होती है। तो मैंने डाल दिया इसमें चाट मसाला 1 चम्मच, और इसमें डाला है मैंने नींबू का रस, मैंने ऐसे आधा नींबू इसमें डाला है अभी, थोड़ा सा खट्टापन डालने के लिए। तो देखिए जो है छोले की जो टिक्की वाली छोले हैं ना, बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसमें पानी ऐसे करके पतले पतले से हो गए, इसमें सिर्फ धनिया डालना बाकी रह गया, और मैंने डाला था गरम मसाला। तो देखिए गरम मसाला सभी मिलाकर धनिया मिलाकर कर देते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट, देखिए गरम गरम आ रही हैं और धुआं भी निकल रहा है। तो देखिए मैंने रख लिए आलू, लगभग आधा किलो आलू मैंने लिए थे टिक्की बनाने के लिए। तो आधा किलो आलू मैंने बनाकर इस तरीके से हम घिस लेते हैं कद्दूकस के। तो देखिए आलू सारे हमने घिस लिए हैं, तो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। तो हम लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा जो आता है मक्के वाला, वो डालेंगे इसमें। और इसमें डालने के बाद इसे हम देखिए आपको दिखा रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो इसके बाद हमने 2 चम्मच तो डाल लिया है, तो इसके बाद डालेंगे रेड चिली जो फ्लिक्स पाउडर है ना, मैंने घर पे बनाया, वो डालेंगे इसमें। इसे डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं टिक्की। और इसमें डाला मैंने भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, और इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच नमक। नमक तो स्वाद के अनुसार ही मतलब डालते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरीके से हम बनाकर तैयार कर रहे हैं, बहुत सादा सिंपल हम टिक्की वाला डो बने बनाकर तैयार कर लिया है। तो हल्के से मसाले हैं थोड़ा सा, तो इसके बनाकर अच्छी तरीके से देखिए हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। हम इसको ले लेंगे हाथ में डो को, और इसे थोड़ी छोटी छोटी सी हम इसमें बॉल्स टाइप में टिक्कियाँ बना लेंगे। तो देखिए मैंने इतनी टिक्कियाँ बना ली हैं, और थोड़ा सा डो मैंने रख दिया, फिर बाद में बना लेंगे। तो देखिए हमने तवा गर्म कर लिया था, और तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें हमने टिक्कियाँ लगा दी हैं। तो टिक्कियाँ इस तरीके से हम छोड़ देंगे लगाकर, घी भी थोड़ा छिटक गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा घी छिटक जाता है। तो देखिए टिक्की में थोड़ी सी नीचे सिक चुकी हैं, ब्राउन सा कलर आ रहा है इसमें। तो हम इन टिक्कियों को सारी टिक्कियों को पलट देते हैं। और तवा थोड़ा सा छोटा है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए इस तवे पर हम इस तरीके से पलट देते हैं, टिक्की सारी ही ब्राउन क्रिस्पी सी हो चुकी है साइड में। तो मैंने पलट दिया, और टिक्की सिक जाने के बाद इनको हम नहीं दबा कर और भी सेकेंगे। जैसे कि मार्केट में जब तवा पर टिक्की बनाते हैं, इसको दबा देते हैं ना, तो और अंदर से क्रिस्पी हो जाती है टिक्की, पूरी सारी सिक जाती है।
तो देखिए हम इस तरीके से इसको दबाएंगे, क्योंकि अंदर आलू था ना वो कच्चा कच्चा सा लग रहा था, तो दबाकर हम जब बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा करारी बनती है टिक्की। तो देखिए टिक्की बनकर हो गई है तैयार, तो हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। टिक्की हमने सभी सारी टिक्कियाँ जो निकाल ली हैं, अब इनको हम क्रंच करके भी दिखाएंगे। ये टिक्की है ना कितनी ज़्यादा क्रंची बनी थी, तो आपने तो देखा होगा। तो हम इसे मिट्टी के बाउल में कटने टिक्कियाँ सजाएंगे। तो देखिए मैंने डाला है छोले, छोले गरम गरम इस पर डालेंगे। तो पहले तो मैंने सारा टिक्की जो बनाई थी, तो इसमें अब छोले वाली टिक्की बना रहे हैं। तो देखिए इसमें छोले डाल दिए, अब इसमें डालेंगे हम दही। दही डालने से और ज़्यादा इसका स्वाद बढ़िया रहता है, तो दही डालते हैं। और उसके बाद डालेंगे मैंने जो चटनी बनाई थी ना, तो हम हरे धनिए की चटनी इसमें डालेंगे, दही वाली चटनी है। तो इस पर मैंने सौंठ भी डाल दी है, और आपको अगर सौंठ की जो चटनी बनानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाके। तो मैंने डाला है इसमें प्याज, और हरे धनिए की चटनी है, दही है, सौंठ वाली चटनी है, और इस पर डाला है मैं धनिया, मतलब कि जो जीरा भुना हुआ है, और थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला, और काला नमक भी, हर मसाले मैंने इसमें थोड़े थोड़े से डाल दिए हैं। इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, जो चटपटी और स्पाइसी टिक्की बनकर तैयार होती है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो हरी चटनी थोड़ी सी कम थी, तो मैंने कहा इसमें थोड़ी सी और डाल देते हैं, देखने में अच्छी लगे, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी टिक्की थी। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो चम्मच है ना लकड़ी की लगा दी है, तो मिट्टी के बाउल में जब हम टिक्कियाँ खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू अच्छी लगती है मिट्टी के बर्तन में खाने से। तो टिक्कियाँ तैयार हुई तो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप इस तरीके से अपने घर पर टिक्की बनाकर ज़रूर खाइए, छोले वाली टिक्की अच्छी लगती है। तो ये टिक्की जो मैंने बनाई थी वो मैंने एक बार दिल्ली में खाई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए छोले वाली टिक्की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर बनाइए, और अपने घर पर बनाकर हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और लाइक भी कर देना। तो जो मैंने पहले टिक्कियाँ बनाई थी उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें जाकर देख लेना। तो देखिए टिक्की है ना कितनी अच्छी लग रही है। हमारी वीडियो उन तक भी पहुंचे, वो भी देख सकें। तो चलते हैं और मिलते हैं न्यू वीडियो।